ओ तो गाइस देख सकते हैं हमारी ओरियो वाला आइसक्रीम, ऊपर में ओरियो का पूरा फ्लेवर है बिस्किट का, नीचे में पूरा का पूरा दूध का फ्लेवर आया इसमें, ये देखिए गाइस। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये खाने में कैसी लगती है। ऊपर में पूरा ओरियो बिस्किट है और नीचे में एक नंबर। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में गाइस हम आपको ओरियो वाली आइसक्रीम बनाने सिखाएंगे। तो गाइस ओरियो वाली आइसक्रीम, गाइस अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, आप भी अपने घर में बना सकते हैं ओरियो वाली आइसक्रीम सिर्फ 5 मिनट में। गाइस सिर्फ 5 मिनट में ओरियो वाली आइसक्रीम हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, ओरियो वाली आइसक्रीम बनाते हैं और सीखते हैं कैसे बनाते हैं ओरियो वाली आइसक्रीम। तो गाइस ओरियो वाली आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तब तक गाइस आपको अमूल का दूध ले लेना है, चाहे कोई भी दूध है लेकिन अच्छा दूध आपको लेना है। तो गाइस एक दूध ले लीजिए और थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए गाइस, और एक डिस्पोजल, इसी डिस्पोजल में हम जमाएंगे ओरियो वाली आइसक्रीम। और एक रखना चाहिए गाइस हमारे पास चम्मच, क्या है ऊपर में डंडी भी रहेगा तब तक उसको पकड़ के चाटोगे यार, अच्छे से चाट लोगे। तो चलिए गाइस बनाते हैं। तो सबसे आगे गाइस हम क्या करेंगे, सबसे आगे गाइस हम क्या करेंगे कि हम ये जो अमूल दूध है हम इसको डिस्पोजल में निकाल लेते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस अमूल दूध को हमने निकाल लिया डिस्पोजल, और ये दूध ज्यादा महंगा दूध नहीं है गाइस, 15 रुपए का आता है ये अमूल का दूध, आप इसको मंगा लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो आपके लिए एकदम पर्याप्त है ये चीज, अमूल दूध आप ले लीजिए 15 रुपए का आएगा। और उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओरियो बिस्किट है तो इसमें से गाइस हम एक स्लाइस हम निकाल लेते हैं बिस्किट का, और बाकी बिस्किटों को गाइस हम तोड़ देते हैं, क्या रहता है नहीं तो पीस लीजिए आप गाइस, आपके पास अगर मिक्सर होगा तो आप इसे पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे तोड़ देता हूं। बहुत ईजी तरीका है गाइस, सिंपल एंड ईजी तरीका, और बहुत अच्छा लगेगा इसका स्वाद, अब देखिएगा आखिरी में आपको बहुत मजा आएगा। और इसको अच्छा से पीस लेंगे गाइस, एक चीज में क्यों निकाला हूँ इस चीज़ को मैं बताऊँगा आपको गाइस, हमने क्यों एक चीज को निकाला है। तो गाइस जैसा कि मैंने इसको पूरा पीस लिया, अब पीसने के बाद गाइस इसको पूरा फाड़ लीजिए आप, और उसके बाद इसको अपन दूध में डाल देते हैं। हम अब क्या करेंगे गाइस, ये जो हमने एक पीस जो निकाला है इसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा कि इसको क्या करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम शक्कर डालेंगे, कम से कम 2 चम्मच, या आपका जो भी स्वाद है उसके अनुसार आप भी डाल लीजिए, 2 चम्मच शक्कर हम इसमें डाल देते हैं गाइस। 2 चम्मच शक्कर डालने के बाद गाइस हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं गोल गोल, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ओरियो बिस्किट और दूध और शक्कर हमने इसमें मिला लिया है। अब गाइस ये हमने एक जो ओरियो बिस्किट रखा है ना उसको हम डंडी के बीच में हम इसको ऐसे डाल के हम इसको बिस्किट के अंदर डाल दें कि ये बीचों बीच में आ जाए, ठीक है गाइस। अब इसको हम जाते हैं गाइस और 1 घंटा के लिए हम इसको फ्रिज में फ्रीजर के अंदर फुल टेम्परेचर करके आप इसको डाल दीजिए और अपने आइसक्रीम का इंजॉय करिए। तो चलिए गाइस मैं जाता हूँ इसको और जाके इसको मैं फ्रिज में डालता हूँ, और 1 घंटा बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी आइसक्रीम कैसी लगती है और कैसी मिलती है। तो फाइनली गाइस हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, इसको हमने फ्रीजर में डाला था और इस आइसक्रीम को जमने में 8-9 घंटा का समय लगा है। तो गाइस चलिए अब इसको फाड़ते हैं और इसको देखते हैं। तो गाइस प्लास्टिक का है ये, इसको हम फाड़ेंगे ब्लेड से, इसको हम तोड़ तो सकते नहीं है, निकाल भी नहीं सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जम चुका है और इसके अंदर ये देखिए बर्फ भी पूरा लग चुका है, देख सकते हैं पूरा बर्फ लगा हुआ है। चलिए गाइस निकालते हैं हमारी ओरियो वाली आइसक्रीम को और खा कर देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो गाइस इसको हम फाड़ते हैं, ओहो। तो गाइस देख सकते हैं हमारी ओरियो वाला आइसक्रीम, ऊपर में ओरियो का पूरा फ्लेवर है बिस्किट का, नीचे में पूरा का पूरा दूध का फ्लेवर आया इसमें,
ये देखिए गाइस, तो चलिए इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये खाने में कैसी लगती है। ऊपर में पूरा ओरियो बिस्किट है और नीचे में एक नंबर। गाइस आप भी घर में बनाइए ओरियो की आइसक्रीम और खाइए जबरदस्त आइसक्रीम है, जो आप मार्केट से 10 रुपये 20 रुपये का आइसक्रीम खाते हैं उससे अच्छा आप इसको बना के खाइए, जबरदस्त आइसक्रीम है गाइस। आप भी जाइए और बनाइए और खाइए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस।